त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत सूरजपुर के क्षेत्र क्रमांक 13 के मैदान में उतरे लगभग 7 प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय रोमांचक मुकाबला रहेगा। साथ ही सभी प्रत्याशी जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के वजनदार प्रत्याशी विजय राजवाड़े के बीच कांग्रेस के ही सरल सहज और मिलनसार क्षेत्र में चर्चित प्रत्याशी के रूप में भूपेंद्र साहू, जो 5 वर्षों से लगातार सेवा देने के बाद ताल ठोक के अखाड़े में डटे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री बिंदेश्वर शरण सिंह अपने समर्थकों के साथ भूपेंद्र साहू के ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तो वहीं क्षेत्र के विधायक श्री खेलसाय सिंह का आशीर्वाद नरेश राजवाड़े के ऊपर न्योछावर हो रहा है। इन दोनों के बीच भाजपा के प्रत्याशी विजय राजवाड़े भी मैदान जंग में हैं। बता दें कि अभी तक सरल स्वभाव से चर्चित भूपेंद्र साहू आगे दिखाई दे रहे हैं, परंतु सभी प्रत्याशी में कोई अपना कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं क्षेत्र में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से व नुक्कड़ नाटक सभा के माध्यम से भीड़ इकट्ठा कर अपने अपने अंदाज में लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं। तो वहीं भूपेंद्र साहू के 5 वर्षों के निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र की जनता उनके समर्थक बनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री बिंदेश्वर शरण सिंह भी अपने काफिला के साथ सुमेरपुर, माजा जैसे क्षेत्र, कई ग्राम पंचायतों में जगह जगह सभा रैली कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग का ये सोच है, शहरी क्षेत्र में हम मराठा साहब के मार्गदर्शन में जीते और अच्छे पार्षद चुन के आए। इसी तरह का जो अच्छा व्यवहार रखते हैं, लोगों के बीच में पकड़ रखते हैं, जो क्षेत्र में काम करने का जागरूक रूप से लोग काम करना चाहें, क्योंकि पिछले एक साल से हमारी सरकार रही है आपके छत्तीसगढ़ में, जो जिला पंचायत क्षेत्र पड़ा है जितना भी, उसमें हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो लोगों के हित में काम करें। यहाँ पे पिछले एक साल में कहीं कमी रही होगी हमारे बीच में, हमारे यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं ब्लॉक में उनके ऊपर, कि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय महाराजा साहब के नाम से जो वोट मिला विधानसभा में, लोग ने विश्वास जताया था महाराज साहब को, आज हमारे लिए वो मुख्यमंत्री से कम नहीं है। उनका विश्वास जगे रहे, हम लोगों के हित में काम कर सके, अच्छे व्यक्ति, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, BDC हो, जिला पंचायत हो, ऐसे व्यक्ति आए जो लोगों का हित के लिए काम करें और गाँव में विकास हो, लोगों का सम्मान हो, उनका अधिकार मिले। क्या लगता है कितना सीट आ सकता है? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं 15 का 15 सीट पूरा है, जनता को उसको पब्लिक को जवाब देना है। सही प्रत्याशी सब जगह है और विश्वास रखिए 10 से 12 सीट पक्का आएगा। और जिला पंचायत फिर से, पिछले बार जब भाजपा राज में हम अशोक जगती जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, तो आज ये और विश्वास है कि सरकार हमारी है, आदरणीय महाराज साहब का आशीर्वाद है, आदरणीय विधायक जी का आशीर्वाद है। और हम सबको मिलकर संगठन के मुखिया के नाते ये बोलना चाहता हूँ, जो भी संगठन से जुड़े हैं लोग, जो भी जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, उनको आज जनता के हित में काम करना पड़ेगा, ताकि कांग्रेस भी मजबूत हो और यहाँ के लोगों का भी विश्वास बढ़े।